भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में, टीम इंडिया जब चौथे दिन जीत की आस लगभग लगा ही बैठी थी, तब ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत के बीच में आ गया। नाम है पैट कमिंस। टीम इंडिया 7 बल्लेबाजों को 176 रनों पर आउट कर पवेलियन भेज चुकी थी। उसके बाद कमिंस और स्टार्क क्रिस पर जम गए। जमे तो भारतीय टीम को जद्दोजहद करनी पड़ी। 8वां विकेट लेने के लिए 215 रनों तक का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद तो लगातार ऑस्ट्रेलिया ने पूरे सेशन खत्म होने तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 399 रनों की चुनौती रखी। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज महज 135 रनों पर ही पवेलियन लौट गए थे। टीम इंडिया की ओर से बुमराह, जडेजा और शमी ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की ईंट से ईंट बजा दी। आने की टीम इंडिया इंतजार कर ही रही थी कि अब तो विकेट लेकर चौथे दिन ही मैच को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पैट कमिंस ने ऐसा नहीं होने दिया और दिन का खेल खत्म कर दिया। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 5वें दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।